आपको कि मदर के बैग में आपको क्या क्या रखना है डिलीवरी के टाइम पे। ये देखिए, फर्स्ट ये है कि मैटरनिटी गाउन, ये है मैटरनिटी गाउन, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये गाउन है, वो मैटरनिटी गाउन है। ये देखिए, इसमें चेन लगी हुई है फ्रंट में। फ्रंट चेन वाले जो होते हैं वो काफी इजीली रहते हैं बेबी को फीड कराने में और स्टार्टिंग में डिलीवरी के टाइम पे। तो मैंने गाउन ही लिए थे डिलीवरी के टाइम पे। मेरी गर्मियों में थी तो मैंने कॉटन का गाउन लिया था, तो ये मैंने सर्दी में मंगवाया था गाउन। तो ऐसा ही कॉटन का गाउन भी मिलता है अगर आपकी समर में है डिलीवरी, और विंटर में है तो विंटर का गाउन भी अवेलेबल है मार्केट में, तो आप यही लीजिएगा। क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी में तो स्टिचेस वगैरह भी लगते हैं, तो आराम से गाउन में थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। और नॉर्मल डिलीवरी में मुझे लगता है कि गाउन ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, तो आप ये ले लीजिएगा। सेकेंड है पेपर्स, आप ये पेपर जरूर लेके जाइएगा डिलीवरी के। इसमें आपको मैं बता देती हूँ, आपको पेपर्स में क्या क्या रखना है। लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड रखना है, जो आपकी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो भी आपकी हेल्थ रही है, जो भी आपकी रिपोर्ट्स रही है, वो सब आपको कैरी करनी है। आपका ब्लड ग्रुप वगैरह की जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, और आपको आईडी प्रूफ्स भी रखने हैं, अपने आधार कार्ड वगैरह। अगर आपका हॉस्पिटल वगैरह में कोई इंश्योरेंस है डिलीवरी का, या फिर कुछ भी ऐसा है जो आपके अंडर में आता है हॉस्पिटल, तो आपको वो डॉक्यूमेंट सारे कैरी करने हैं इंश्योरेंस वगैरह के, तो आप ये चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, ये कॉटन दुपट्टाज हैं। मैंने ये दो कैरी करे थे अपने साथ। कई बार डिलीवरी होने के बाद सिर में हवा लगती है, तो आपको ये भी मैंने ओढ़ा था ये, तो आप इससे अपना हेड कवर कर सकते हैं इन कॉटन के दुपट्टों से। तो अगर सर्दी है तो आप गर्म रख सकते हैं, पर ये भी सही रहता है कॉटन की। तो फिर मैंने ये भी रखी थी। आप अपने साथ दो तीन ये स्टोल कैरी कर लीजिएगा, ताकि आप हेड वगैरह कवर कर सकें अपना। और चाहे मेरा सॉक्स, जब डिलीवरी के लिए चाहिए तो सॉक्स भी रख लीजिएगा। कई बार डिलीवरी होने के बाद ठंड वगैरह लगे तो आप ये वियर कर सकते हैं। तो ब्लैंकेट वगैरह तो आपको हॉस्पिटल से ही अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है पैंटीज, अपनी पैंटीज रखना मत भूलिएगा। ओल्ड पैंटीज भी रख सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद ब्लीडिंग वगैरह काफ़ी होती है, तो आप वो लेके जाइएगा अपनी। और डिस्पोजेबल पैंटीज भी रख सकते हैं आप, ताकि वहीं डिस्पोज कर सके। और नेक्स्ट है मेरा सैनिटरी पैड, सैनिटरी पैड लेके जाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और उसके बाद है ये कुछ बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं, जैसे कोम वगैरह, तो आप ये भी रख सकते हैं। कोम है, रबड़ बैंड है, और जो बॉडी लोशन वगैरह आपको जो भी रखना है अपने लिए, तो आप वो भी थोड़ा बहुत सामान लेके जा सकते हैं। किट बना लीजिएगा, तो उसमें सारा कैरी करके लेटल आप अपनी केटल लेके जाइएगा, जिसमें गर्म पानी रह सके। डिलीवरी होने के बाद थोड़ा ठंडा पानी अवॉइड करते हैं, और ल्यूकम वाटर ही पीजिएगा। तो मैं अपनी केटल अपने साथ लेके गई थी, ताकि मैं बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पी सकूं, तो मैं ल्यूकम वाटर ही पी रही थी बार बार। तो ये मैंने अपने पास ही रखी थी, तो आप भी लेके जाइएगा। मेरा नर्सिंग ब्रा वो भी रखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में बेबी को फीड कराना होगा, तो नर्सिंग ब्रा में काफ़ी इजी रहेगा आपको। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जो ये बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं मदर के लिए, मैंने सब बता दी है। अगर फिर भी कोई स्किप हो गई है मुझसे, तो आप प्लीज़ उसका सजेशन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करिएगा, जिनकी डिलीवरी पास है बहुत। तो ये चीज़ें हॉस्पिटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे कितनी भी फैसिलिटी हो हॉस्पिटल के अंदर, बट ये सारी नेसेसिटी की चीज़ें हैं जो हर जगह ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये अपने साथ कैरी करके लीजिएगा। यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डियर वन। थैंक यू सो मच।